नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए पीसीएस जे उत्तराखंड में प्रयागराज की उदिशा सिंह ने किया है टॉप। ये अपने आप में गर्व की बात है कि आपके अपने ज़िले के लोग जो कि टॉप किए हैं उत्तराखंड पीसीएस जे में, इनके विषय में कुछ और अन्य प्रमुख बातें हैं जिसको हम आपसे चर्चा करेंगे और साथ में जान लेते हैं और दूसरे टॉपर कौन से रहे हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने मंगलवार शाम उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर का अंतिम परिणाम परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। इसमें प्रयागराज की उदिशा सिंह ने प्रथम स्थान और लखनऊ के आदर्श त्रिपाठी दूसरे नंबर पर रहे। परीक्षा कुल 28 पदों के लिए आयोजित की गई थी। इसमें 17 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। सचिव कमरेंद्र सिंह ने बताया कि परिणाम वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अंजू तीसरे, हर्षिता शर्मा और चौथे पे, स्नेहा नारंगी पाँचवें पे, प्रियांशी नागरकोटी छठे और गुलिस्ता अंजुम सातवें और प्रिया शाह आठवें स्थान पर रहीं। तो आइए हम थोड़ा सा इनके विषय में और कुछ चीज़ें जान लेते हैं उदिशा सिंह के विषय में कि क्या कहता है इनके विषय में। देखिए, एलनगंज के चिकित्सक दंपत्ति की बेटी हैं और उत्तराखंड में बनी हैं जज और उत्तराखंड पीसीएस जे को इन्होंने किया है टॉप। उत्तराखंड सिविल जज की परीक्षा में टॉप करने वाली शहर के एलनगंज निवासी उदिशा सिंह ने हाई कोर्ट की इमारत, उसमें काम करने वाले न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं को देखकर जज बनने का फैसला लिया और दूसरे प्रयास में कामयाब हुई। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर कविता रत्न और पिता डॉक्टर आनंद सिंह बिटिया की खुशी कामयाबी में गदगद हुए हैं। उदिशा सिंह ने सेंट मैरी विद्यालय में अपनी प्रारंभिक शिक्षा हासिल की है, फिर कानून की पढ़ाई करने दिल्ली विश्वविद्यालय चली गई। 2017 में कानून की पढ़ाई पूरी की उदिशा सिंह ने। वर्ष 2018 में पीसीएस जे परीक्षा की तैयारी शुरू की। उत्तराखंड पीसीएस के लिए यह उनका दूसरा प्रयास था। तो जी हाँ दोस्तों, चैनल की ओर से इनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी लोग को ये अपडेट जरूर देखना चाहिए और अपने आप में गर्व फील करना चाहिए कि आपके प्रयागराज से अलग प्रदेश में जाकर के एक महिला ने टॉप किया है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा करें लाइक ज़रूर करें। आयोग की तरफ से छोटी बड़ी कोई भी समाचार चैनल के माध्यम से तुरंत दे दी जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।